माय डियर कैंडिडेट, लगातार हम लोग माईस्योर जॉब डॉट कॉम पोर्टल के थ्रू से लगातार एक्सपीरियंस और फ्रेशर कैंडिडेट्स को जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस भी हो रहे हैं, बहुत अच्छे ज्वाइनिंग भी हो रही हैं। मैं संस्कार सोसाइटी का प्रेसिडेंट वीके शुक्ला, एज अ मेंटर आप लोगों ने जो मुझे बनाया है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्जॉय करने में बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ बहुत सारी अच्छी लर्निंग्स भी आती हैं। मैंने एक ट्रेंड देखा कि कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बेसिकली मैंने देखा उनकी ज्वाइनिंग उसी का उसी दिन आ जाती है, जब कॉल करो तो इमीडिएटली जाएंगे, किसी भी हालत में वहाँ पहुँचेंगे भी और पहुँच करके इनकी इमीडिएट इंटरव्यू देंगे कुछ भी कंडीशंस हो। अभी मैंने देखा कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको जाने पे जब कॉल यहाँ से जाती है, ये या तो ट्रेंड है कुछ कैंडिडेट्स का, जिनको खुद जिम्मेदारी अपनी लेनी चाहिए थी वो राइट टाइम पे राइट कंपनी में पहुँच ही नहीं पा रहे। इवन पैकेजेस 45, 38, 70, 60 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उससे मैच कर गया, शॉर्टलिस्टेड हो गया है, उन्होंने कंपनी ने बुलाया है, दिन में 4 बार कॉल कंपनी ने कर दिया हम लोगों को, उनको भी कॉल कर दिया, पर वो अपनी पर्सनल में फंसे हुए हैं। आज ही मैंने देखा कई कैंडिडेट्स को कॉल किया गया, किसी ने अपने को कार्डियोलॉजी बता दिया, हो सकता हूँ भी कोई अभी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में था, जाम में फंस गया ऐसे बता दिया, अब किसी ने कुछ बताया। कंपनीज वेट नहीं करती हैं आपका, ये आपको समझना पड़ेगा। ये प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर डेवलप ज़रूर होनी चाहिए। कानपुर में और लखनऊ में मैंने देखा कि कम से कम 40 ऐसे कैंडिडेट, बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं जिनके अपने ऊपर लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और कुछ ऐसा लगता है मुझे छोटी छोटी प्रॉब्लम में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए भी लोग होते हैं। आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो आपकी कैपेसिटी है, जो ताकत है, वो बहुत बड़ी है, शायद आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। तो एज ए मेंटर मैं आपको इस बात के लिए मोटिवेट करूँगा कि आपकी जो ताकत है उस ताकत में प्रॉब्लम के लिए अगर आप फंसे रह गए, प्रॉब्लम के टाइम में आपने प्रॉब्लम का जो सलूशन है, एक्शन है, वो लिया, पर उसके अलावा आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को इंटरव्यूज देना, फाइनलाइजेशन में पीछे नहीं किया। आप कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत अर्जेंट आपके ऊपर काम है, वहाँ से आप निकल नहीं पा रहे, आप कंफर्ट जोन में हैं, पर शायद आप एक बार अगर निकल करके पहुँच गए तो जो पैकेज आपको पिछले 5 साल, 10 साल, 3 साल से नहीं आ रहा है, वो आ जाएगा सिर्फ आधे घंटे के एक प्रयास से। तो माय डियर कैंडिडेट, मैं ये सब चीज़ें आपसे कहूँगा, और उन कैंडिडेट्स को जो लगातार फ़ोन करने के बाद भी कंपनीज में नहीं पहुँच रहे हैं, उनको नंबर ऑफ इंटरव्यूज़ या इंटरव्यूज़ अब नहीं भी दिए जाएंगे। अभिषेक सर के पास में सारे कैंडिडेट्स का एक रिकॉर्ड रहता है, किसको कब कॉल करी गई, किस कंपनी में भेजा गया, किसका एड्रेस भेजा गया और कब कौन नहीं पहुंचा है, ये सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो ये भी आपकी एक रैंकिंग बनाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में कि कौन से कैंडिडेट ने इमीडिएट रिप्लाई दिया है, कौन सा कैंडिडेट बहुत पॉजिटिवली है, ये भी एक आपकी इमीडिएट रैंकिंग बनाते हैं आपके पैकेज लाने में, पुश करने में, आपकी परफॉर्मेंसेज में, और ये आपका एक एटीट्यूड और नज़रिया भी बनाते हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा कि कुछ लोग इमीडिएटली जॉब देने के लिए निकल पड़ते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, हम जो एफर्ट्स कर रहे हैं उसमें आपके पार्टिसिपेशन और आपके अपने इम्प्रूवमेंट्स की भी ज़रूरत है, और उस इम्प्रूवमेंट को लगातार माय डियर फ्रेंड करते रहिए आप। कई लोगों ने किया भी है, हमारे कहने के बाद में किया है, कई लोगों को बहुत सारी मतलब कई लोगों को तबीयत भी ख़राब हो जाती है और वो तबीयत ख़राब काफ़ी दिनों तक रहती है, कोई 15 से 20 दिन के बाद में अचानक से आ गया और बोले सर आज हमारे लिए जॉब भेज दीजिए वहाँ पे, जहाँ आपने कहा था। अब वहाँ पे जॉब जरूरी नहीं कि हो, जरूरी नहीं कि वहाँ पे आपको दोबारा से भेज देंगे। तो अपनी कम्फर्टेबिलिटी या अपना टाइम आपने डिसाइड कर लिया और हो गया, वो केवल एक राइट टाइम का पूछ रहे। देखिए ये भी मैं मानता हूँ कि कैंडिडेट की अपनी सोच और अपनी डिसीजन मेकिंग पावर होती है, कब कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी दे, कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं दे, अदरवाइज़ अगर आप फंसे हैं तो आप फंसे ही रह जाएंगे। आपको निकलने के लिए खुद एक प्रयास जबरदस्त करना पड़ेगा। फंसने फंसाने की चीज़ें बहुत सारी माय डियर कैंडिडेट पड़ी हैं। एक बार आपका अर्निंग का साइकिल एक अच्छा जब चालू हो जाता है तो उन सबको हैंडल करने के लिए कैपेसिटी आपकी आ जाती है। कुछ और लोग हैं जब इंटरव्यूज़ दे रहे हैं तो उसकी फीडबैक यहाँ नहीं दे रहे हैं, इस बात को नोटिस रखिएगा। आप इंटरव्यूज़ देने के बाद फीडबैक देंगे, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो गई है उस दिन आप कंफर्मेशन देंगे कि आप ज्वाइनिंग आपकी हो गई है, बीच में भी कम से कम आप 1-2 बार फ़ोन से बताएंगे। कारण ये है कि कंपनीज़ को एक आपका एक जो ड्राफ्टिंग होती है वो भेजी जाती है कैंडिडेट के प्रॉपर रिस्पांस की तरीके से, जिससे आपकी चीज़ें प्रॉपर चलती रहें, आपको भी कोई वहाँ पे नुकसान नहीं उठाना पड़े। और ये जो हम लोग लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं उसमें अगर आपको पोर्टल देखना है, पोर्टल से अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, यूट्यूब चैनल देखना है, नहीं समझ पा रहे हैं आप, कंपनी का नाम और पैकेज नोट कर दीजिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे इन 4 दिनों में 12:30 से लेकर 5 तक कोई भी कैंडिडेट जिसका यहाँ पे आईडी जनरेट है अनकंडीशनली आप यहाँ आ सकते हैं,
आपके रिज्यूम के हिसाब से, आपके इंटरव्यूज के हिसाब से आपको भेजा जा सकता है। हमारा जो प्रोफाइल मेकिंग सेशन है उसके बेनिफिट्स डेफिनेटली हैं, उससे पैकेजेस बड़े आ रहे हैं, बड़ी उछाल सी आ रही है। इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट प्रोफाइल मेकिंग में जा रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है, पर जो जान नहीं पा रहे हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं हम प्रोफाइल मेकिंग में नहीं जाना चाहते हैं, हमें एक ज्वाइनिंग मिल जाए, तो उनके लिए उनको फिजिकल आना पड़ेगा। फिजिकल ही आकर के जब वो करेंगे तो उनके सामने कंपनी में बात करके उनको बहुत दौड़ना नहीं पड़ेगा, सीधे प्रयास किया जा सकता है, और उसके लिए आप यहाँ पर आएंगे तो आसान रहेगा। सीनियर कैंडिडेट जिनके पैकेजेस 40, 50, 60, 70 हैं, उनके लिए मैंने उनको बताया है कि ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे को एक बार कंफर्मेशन लेके अपनी कंपनीज की जिले करके फिजिकली आने का प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लगभग तो उनके लिए और बेनिफिशियल रहेगा। सेकंड, एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जितने भी कॉन्वेंट एजुकेटेड कैंडिडेट हैं, जितने MBAs हैं, जितने BTech हैं, MBAs स्पेशली मैं कह रहा हूँ, ऑल कानपुर के जितने भी MBAs हैं, और साथ साथ में अगर वो कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं, साथ ही साथ में अगर उनका MIS भी आता है, उनका एक्सेल और वी लुकअप वगैरह अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है ऐसे फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, और उनको पर्सनालिटी, उनका एटिकेट्स, और केवल पर्सनालिटी एटिकेट्स नहीं और सब कुछ करे हुए हैं तो भी मतलब नहीं है, तो उनका पैकेज ऐसे फ्रेशर भी 30 लाया जा सकता है। आपके पास में इसमें कुछ मैं बेसिक स्किल्स की बात कर रहा हूँ आपसे, आप फ्रेशर भी हैं तो भी लाया जा सकता है, पर उसमें एक चाहिए कि आपको एक गाइडेंस, उस कंपनी का JD क्या, ये सब बताना पड़ता है। तो आप सबसे मैं ये कहूँगा, जितने भी आपके आसपास के फ्रेंड्स हैं, सर्किल हैं, जो MBAs हैं, जितने भी MBA प्रोफेशनल कॉलेज से करके आए हैं, पर्सनालिटी अच्छी है, अपीयरेंस अच्छा है, साथ ही साथ में उनको बात करने का मुझे सिखाना नहीं है, इंग्लिश अच्छी है, ड्राफ्टिंग भी अच्छी कर सकते हैं, MIS भी अच्छा है, तो डेफिनेटली वो 20+, 30+, 35+ में जा रहे हैं, हो रहे हैं। तो सारे MBAs जितने भी कानपुर के, उनके लिए बहुत बड़ी लॉटरी लगने आ रही है, BTech के लिए बहुत बड़ी लॉटरी लगने आ रही है। प्रोफेशनल अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा काम हो सकता है, अगर आप ये चीज़ें हैं। हिंदी मीडियम के अगर आप हैं तो भी आपके लिए अच्छी प्रोफाइल है, बट उसमें होमवर्क और ज़्यादा थोड़ा सा करना है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम देंगे तो फ्रेशर के लिए भी जॉब का आ सकता है। तो फ्रेशर अगर आप हैं तो ये मत सोचिए आप जॉब नहीं, कई लोगों ने आज क्वेश्चन पूछे थे, कई लोगों ने आज बहुत सारे फ़ोन ऐसे आए जिसके बाद मैं आपको ये रिप्लाई दे रहा हूँ। मैं MBAs को इनवाइट करूँगा कानपुर या UP के किसी भी कॉर्नर से, अगर आप चाहते हैं एक गुड जॉब तो आप अगर हैं तो उसका मैंने क्राइटेरिया बताया पैकेज का, 20 से 30 के बीच में पैकेजेस बहुत सारे अवेलेबल भी हैं, 30 भी आप क्रॉस कर सकते हैं अगर आपका 1 साल का भी एक्सपीरियंस है, और अगर आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश है तो आप 40 भी क्रॉस कर सकते हैं ऐसे फ्रेशर कैंडिडेट ये कानपुर में अभी है। बट आपका प्रोफाइल क्या, रिज्यूम क्या, इसके बिना नहीं माय डियर कैंडिडेट हो सकता है। इसलिए इन बातों को बहुत ध्यान रखिए कि सही तरीके से अगर आप जा रहे हैं सही, और आपके प्रोफाइल रिज्यूम है केवल आप कॉलेज और स्कूल वाला जो आप रिज्यूम जनरल है वो दे रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू शुड हैव अपडेट एंड प्रॉपर वेल गाइडेड प्रोफाइल एज अकॉर्डिंग टू द JD जैसा है वैसे आपको देना पड़ेगा। तो ये बेसिक बातें हैं माय डियर कैंडिडेट, हम सब लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार अपना जोश लगा के लगे मेहनत कर रहे हैं। आइए हम सब मिल करके शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट को बहुत अच्छे से चैलेंज करें और सोल्यूशंस निकल करके आ रहे हैं। इसलिए ये जो वार्निंग्स आपको दी गई हैं, और एक बार अगर कोई आप अपनी लेवल पर जॉब छोड़ देते हैं बिना रीज़न बताए, उनको भी सेकेंड बार देने से पहले 4 बार हम लोग सोचेंगे कि क्यों उनको दिया जाए, क्यों छोड़ा है, क्या रीज़न से जॉब उन्होंने छोड़ा है। अगर वो वैलिड रीज़न है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज उनके बारे में भी सोचेंगे। तो आपकी भी रैंकिंग तैयार हो रही है माय डियर कैंडिडेट, आइए मिल करके हम लोग इम्प्रूवमेंट करें, सुधार करें, टाइम से पहुँचें, हर कॉल का रिप्लाई करें, नहीं करने पर कॉल बैक जरूर करें और आगे बढ़ें। थैंक यू फॉर टुडे, जॉब हंट ड्राइव माई सोर जॉब .com।